हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए एक नए महीने का आगाज करते हैं। बहुत ही प्यारा महीना है और वैसे भी तो ये महीना प्यार के लिए ही जाना जाता है। तो आइए इस महीने के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं और आज के करंट अफेयर यानी कि 1 फरवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, आज रात को 9 बजे आप लोगों को मैं पूरे जनवरी महीने के हरियाणा करंट अफेयर का वीडियो लाइव लेके आने वाला हूं। कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर आपको मिलेंगे आज रात को, तो आप लोग उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। लेकिन कल आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा, हरियाणा के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है? तो हरियाणा के अंदर जो है ना, गुरुग्राम के अंदर भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साथ 100 से ज्यादा कारें जो है ना, अभी तो तकरीबन 96 के आसपास है, लेकिन इन फ्यूचर 100 से ज्यादा कारों को एक साथ चार्ज किया जा सकेगा। 500 कारों से भी ज्यादा एक दिन में चार्ज किया जा सकेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, पूरे भारत में सबसे बड़ा ये होने वाला है, जिसको आप लोग फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी कह सकते हैं। आज का पहला सवाल क्या होगा कि हरियाणा सरकार ने किस देश की तर्ज पर राज्य में हैप्पीनेस इंडेक्स को लागू करने का निर्णय किया है? तो भारत के अंदर हरियाणा राज्य और हरियाणा राज्य के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स जो लागू हो रहा है वो भूटान देश की तर्ज पे हो रहा है। यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। हरियाणा सरकार ने भूटान देश की तर्ज पे हैप्पीनेस इंडेक्स, जैसे भूटान के अंदर जो है जो रूल लागू है या जो नियम लागू है, बिल्कुल वैसे वैसे ही कुछ इस तरीके से जो है ना वो हरियाणा के अंदर भी लागू किए जाएंगे। जैसे मुख्यमंत्री ने ऐसी तमाम योजनाओं की जानकारी दी जिनके लागू होने से क्या है, जीवन सरल हो सकता है, कठिनाइयों से मुक्त हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल से, दुकानों पर परिवार पहचान पत्र से ही राशन मिलेगा, 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद में अपने आप ही पेंशन स्टार्ट कर दी जाएगी, पेंशन बनवाने के लिए किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर किसी भी टीचर का यूं कहिए ट्रांसफर होना है तो किसी यूं कहिएगा राजनीतिक व्यक्ति के पास में नहीं जाना है, बस अपने आप ऑनलाइन तरीके से जो है ना ये हो जाएगा। सरकारी नौकरी जो है ना मेरिट के आधार पे मिलने का हम देने का प्रयास करेंगे। 20 सालों में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जो HSSC है कहते हैं, ये अच्छे से काम कर रहा है और अच्छे से इन फ्यूचर जो है ना जीवन को सुधारने का काम करेंगे। तो बस यही है कि भूटान के जो सम्राट है जिनका नाम है सिंगे वांगचुक, उन्होंने 1972 में GDP की जगह ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स लागू किया था जो अब तक चल रहा है वहां पे। तो कुछ ऐसे ऐसे ही है कि लोगों की समस्या सुलझाना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, लोगों की जिंदगी में तनाव को कम करना, प्रति व्यक्ति आय जो है ना उसको बढ़ाना, स्वस्थ जीवन पे ध्यान देना, भ्रष्टाचार से आजादी दिलवा देना, ये लिंग भेद जो हो रहे हैं या लिंग भेद में जो असमानताएं चल रही है इनको खत्म करना, और धीरे धीरे लोगों को जो है ना, जैसे जागो ग्राहक जागो वाली बात है ना, कुछ इसी प्रकार से जो है ना लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना प्रोडक्ट से रिलेटेड। वेनेजुएला ने भी 2013 में वाइस मिनिस्ट्री ऑफ सुप्रीम नेशनल हैप्पीनेस बनाया था, फिर बाकी देश भी इसके प्रति थोड़े जागरूक हुए थे और इसी का ही जिक्र अब हरियाणा के अंदर हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके लिए बन गया है। मतलब यूं समझिएगा कि लोगों को अवेयर करना है, लोगों की जो ग्राउंड लेवल की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ही काम किया भूटान में, वैसा ही काम करने वाला है अपना हरियाणा। तो हरियाणा जो है ना ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की तरह बढ़ रही है, कोशिश कर रही है कि रहने लायक सबसे अच्छा राज्य बन जाए हमारा हरियाणा। और युवाओं से भी डायरेक्ट जो है ना बात करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि उनकी ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम सुनी जाए और उनको जो है वो खत्म भी किया जाए। यही है बेसिकली हैप्पीनेस इंडेक्स। जिक्र भूटान का किया है आपने, तो देखो आप लोग हमसे बहुत ही ज्यादा करीबी देश है ये, बिल्कुल चिपका हुआ समझिएगा भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, ठीक है ना, और यहाँ के जो किंग है उनका नाम तो आप लोगों को अभी मैंने बताया है वाईचुंग, ठीक है। और एक के अलावा जो है ना यहाँ की करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए, नगुल ट्रम यहाँ की करेंसी है। आप मुझे कमेंट में ये लिख के बताइएगा कि भूटान देश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं, ये आपकी बारी है, बताइएगा।
आंध्र प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया गया है? देखिएगा, ये भी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा चर्चा में होगा। और ये जो मंदिर है, इसको मैं लगभग देख ही लेता हूं, हफ्ते 10 दिन के अंदर यूं समझिएगा। तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ऑन रोड है ये। अगर आप लोग भी कभी सिरसा साइड जाते हैं और एक टोल आता है बीच में लांदरी गांव का, वहां पे जो है ना ये बन रहा है। और हरियाणा का ऐसा मंदिर है जो सोने का स्तंभ लगाया जाएगा इसके अंदर, सोने के छत्र वाला एकमात्र मंदिर है पूरे हरियाणा के अंदर, हिसार के तिरुपति बालाजी मंदिर। बिल्कुल कॉपी है, वो बात का बड़ा फेमस मंदिर है, हुबहू मंदिर हिसार अग्रोहा के ही पास बनेगा। और ये जो सोने का स्तंभ है 42 फुट लंबा बनने वाला है, जिसपे सोने की परत जो है ना वो चढ़ा दी जाएगी, इसको ही सोने का स्तंभ बोला गया है एक प्रकार से, ठीक है। मुख्य मंदिर भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान वेंकटेश्वर का बनाया गया है, इसके साथ ही मां पद्मावती का मंदिर बनाया गया है, और साथ ही गोदामा मां का मंदिर भी बनाया गया है इस मंदिर के अंदर, ठीक है। विशेषता है इसमें ना तो कोई पाइपलाइन लगाई गई है, ना ही सरिये का प्रयोग हुआ है, ना ही कोई वायरिंग की गई है इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ जो है ना इस मंदिर को डिजाइन किया जा रहा है, ये कुछ इस प्रकार का यहां तक का तो बन चुका है अभी, ठीक है ना। गरुड़ स्तंभ बोला है इसको, सोने वाले स्तंभ को। और आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा का कौन सा जिला है, एकमात्र जिला जिसमें गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया है, तो आपका जिला रहेगा हिसार। हिसार के अंदर ही एकमात्र जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, गजब का है भैया हिसार तो। अगला सवाल पढ़ा देते हैं कि हाल ही में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के सचिव सुभाष चंद्र शर्मा कितने साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं? तो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के जो सचिव है, जिनका नाम सुभाष चंद्र है, वो अभी रिसेंटली 36 सालों की सेवा के बाद में रिटायर्ड हो चुके हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ये हरियाणा विधानसभा केंद्रीय 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं। और जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष है, जिनका नाम है ज्ञानचंद गुप्ता, और शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल सिंह ने इन्होंने जो है ना इनको सम्मानित भी किया था, स्मृति चिन्ह दे के या शॉल वगैरह उठा के। इनके दौरान तकरीबन 11 विधानसभा अध्यक्षों के साथ में इन्होंने काम किया था, तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है। आपको इनका चेहरा भी दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये रहे जो अभी रिसेंटली सुभाष चंद्र जो है ना वो रिटायर्ड हुए हैं। 1985 से 1987 तक विज्ञान और तकनीकी विभाग में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पद पर इन्होंने काम किया है, ठीक है। और 2007 से विधानसभा अध्यक्ष के सचिव के रूप में ये काम कर रहे हैं, अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभार्थियों के खाते में कितनी राशि ट्रांसफर की है? 5.33 करोड़, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री ने जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है, जिसके तहत सालाना जो है ना वो 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिए जाते हैं, उसके तहत तकरीबन 5.33 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर किए हैं। एक अच्छी बात यह है जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, और तकरीबन इसके तहत 314,446 लाभार्थियों को डायरेक्ट लाभ जो है ना वो मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चल रही है, उसके तहत भी जो है ना 30,000 से भी ज्यादा लोगों को लाभ दिया गया है, डायरेक्ट राशि उनके खाते में पहुंचाई गई है, ठीक है। मेनली आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना याद रखनी है। सबका साथ सबका विकास, इसकी नीति के तहत हरियाणा के कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा? सबका साथ सबका विकास, ये एक नीति, और इसके तहत हरियाणा में 20 लाख परिवारों को एक साथ जो है ना लाभ पहुंचाया जाएगा, ठीक है। मतलब इसी के अंदर ही आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे मान लेते किसी के परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का इसमें प्रावधान रहेगा, ठीक है ना। इसमें ही है सबका साथ सबका विकास। जीवन ज्योति बीमा योजना है, उसका प्रीमियम सरकार भरने वाली है, लोगों को नहीं भरना है, ठीक है ना। सरकार प्रीमियम भरेगी, सरकारी अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो उस पर सहायता भी देने वाले का काम करेगी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है, ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 1,80,000 से कम है, उनकी उस आय तक पहुंचाने का, उन्हें सक्षम बनाने का प्रयास, और के साथ ही उन्हें आर्थिक लाभ देने में भी मदद करेगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं सबका साथ सबका विकास। तकरीबन 20 लाख गरीब परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने का कोशिश की जाइए। पता लगा कैसे है? परिवार पहचान पत्र से इनका डेटा निकाला गया है। हाल ही में हरियाणा के युवाओं ने मुख्यमंत्री को किसकी संज्ञा दी है? तो हरियाणा के युवाओं ने मुख्यमंत्री को जो है ना टेक्नो सीएम की संज्ञा दी है, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नशा, जातिवाद, भयंकर नासूर काफी हद तक कम हुआ है हरियाणा में, इसी के चलते ही हरियाणा को टेक्नो सीएम, ठीक है,
का दर्जा दिया गया है। चलो अच्छी बात है, दिया तो दिया। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को हम समाप्त कर रहा हूँ। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के किस जिले की उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है, तो बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप स्टार आईक्यू से जुड़े रहिएगा, और आज पूरे जनवरी महीने के करंट अफेयर रात को 9 बजे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेहद अच्छे अच्छे सवाल होंगे, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन होगी, दिल लगा के पढ़ाऊंगा, दिल लगा के आप भी पढ़ना। धन्यवाद।